चोलनार ब्लास्ट में शामिल चार नक्सलियों ने लोन वराटू अभियान से प्रभावित होकर किया आत्मसमर्पण। दंतेवाड़ा में लगातार टूट रही है नक्सल की चैन, नक्सली कर रहे हैं समर्पण। दक्षिण बस्तर के दंतेवाड़ा जिले में दंतेवाड़ा पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे हैं नक्सल उन्मूलन अभियान। लोन वराटू घर वापस आइए के तहत नक्सलियों की खोखली विचारधारा से तंग आकर चोलनार ब्लास्ट में शामिल चार नक्सलियों ने लोन वराटू अभियान से प्रभावित होकर किया आत्मसमर्पण। चारों का समर्पण लोन वराटू अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव के समक्ष थाना किरंदुल में हुआ। थाना किरंदुल के अंतर्गत मरकामी रास पिरोली कुटरेन ग्राम के चार नक्सलियों के द्वारा जो अलग अलग विभिन्न अपराधों में संलिप्त थे, जिसमें बीच में एक चोलनार ब्लास्ट घटना हुआ था उसमें एक इनामी नक्सली शामिल थे। इसके अलावा मोटू करके एक नक्सली है जो बैनपाल के पास पाढ़ापुर के पास पूर्व में एक ट्रेन को डिलेल करने की घटना में भी शामिल रहे हैं। इसके अलावा इनका कार्य संतरी ड्यूटी करना और रोड खोदना, एसआर गेट में रोड खोदना, आसपास के ट्रकों में आगजनी करना, इन सभी घटनाओं में ये संलिप्त थे। लोन वराटू अभियान से प्रभावित होकर ये आज थाने में पुलिस के समक्ष आकर आत्मसमर्पण किए हैं और इन्हें पुलिस प्रशासन के द्वारा कोरोना काल को देखते हुए वैक्सीनेशन भी प्रशासन से मिलकर करवाया जा रहा है। इसके अलावा इन चारों आत्मसमर्पित नक्सलियों से आजीविका के साधन में अपनाने के संबंध में भी पूछताछ किया गया, जिसमें उनके द्वारा किराना दुकान खोलने के संबंध में बताया गया है, जिसे प्रशासन को उनकी आवेदन के रूप में भेजा जाएगा और उनकी मंशा को पूर्ण करने के लिए प्रयास करेंगे।